हेलो। हेलो वालेकुम भाई। वालेकुम हेलो सलाम अलैकुम। हेलो सलाम अलैकुम भाई, सलाम कैसे व हैं रहमतुल्लाह वबरकातुह। कौन भाई भाई? मुंबई बात कर रहा हूँ कतर से। मुंबई है? बात कर रहा हूँ कतर से। कहाँ मोहम्मद अली से? बात कर रहा हूँ कतर से। कतर अच्छा, मोहम्मद अली जी से कतर। जी 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 बताइए भाई। ये अपना जो शादी ब्याह के हवाले से मामले में क्या चीज? ये रुखसती करना कहते हैं बारात आती है, अगर आपने ये बात की रुखसती बारात लेके जाती है, लड़की को लेके जाते हैं शादी। देखिए, बारात लेके जाना ये सब तो भाई ये इस्लाम में तो नहीं है, ये बाद में आ गया। दूसरे जो मजहब है उनका जो कल्चर था वो हम लोगों ने उसको अपना लिया, ठीक है। इस्लाम में ये है लड़का लड़की राजी हो, ठीक है, दोनों के मतलब जो अम्मा अब्बा हैं या वली हैं वो साथ में हो, ठीक है, गवाह हो, बस निकाह हो गया। अब वो अपना भाई अपने शौहर के साथ जाए, काम खत्म। अब अपने वहाँ शादी का पैटर्न अलग है, पहले एक दूसरे को देखेंगे, फिर लड़का वाला जाएगा लड़की को देखने, फिर लड़की वाले जाएंगी लड़के को देखने, उसके बाद फिर मतलब भाई वो मंगनी होगी, मंगनी के 1.5 साल बाद तारीख होगी, तारीख के बाद उसके 6 महीने बाद शादी होगी। शादी से पहले एक रात पहले मतलब वो मांझा होगा, साचक होगा, उसमें मार मतलब नाच होगा, वो गाना होगा और उत्तन उत्तन खेला जाएगा, चंदन लगाया जाएगा, उसके बाद मेहंदी की रात आएगी, उसके बाद फिर बारात जाएगी, बारात जाने के बाद फिर अगले दिन वलीमा होगा, वलीमे के बाद भाई वो मर्दाना चौथी होगी, फिर औरताना चौथी होगी, उसके बाद जुमे जुमे वाले दिन दावत खाई जाएगी, जुमासी होगी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये तो ये सारे प्रोसेस को आसान की तरह किया जाए कि जो तरीकेकार सही तरीकेकार है, जो मशहूर तरीकेकार है, वो इसको अपनाया जाए, वो समझ तो अल्लाह के नबी ने तो फरमा दिया था ना, निकाह को आसान करो, ठीक है। निकाह इतनी इतनी आम बात थी, आसान बात थी, ये एक मामूल था, एक जीने का मामूल है ये, लेकिन इसको अभी इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकल्लिदों ने इतना भारी कर दिया है कि बिना दहेज की शादी नहीं होती है, और दहेज भी ऐसे मांगेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना अपनी बेटी को दीजिए। अरे ये कौन सी बात होती है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम यहाँ से नहीं खाएंगे, हाथ पीछे से घुमा के खाएंगे। इस्लाम में भाई ऐसा कुछ नहीं है, बारात लेके जाना और मतलब भाई मतलब बकायदा वो तारीख की एक मतलब वो होती है, रस्म होती है, उसमें उसमें मतलब तय कर लिया जाता है कि बारात का मतलब ये दिन है, 100 बाराती आएंगे, 151 बाराती आएंगे, 201 बाराती आएंगे, 500 बाराती आएंगे, 1000 बाराती आएंगे, ये सब बोझ है लड़की वालों पे। तो ये लड़की भाई तरीका कुछ नहीं, निकाह हो गया बस, जाए अपने अपने शौहर के साथ जाए उसके घर, उसके लिए कोई खास तरीका थोड़ी ना है कि नहीं एम्बुलेंस मंगाई जाएगी या कार मंगाई जाएगी या डोली में उनको बैठाया जाएगा या घोड़ी मंगाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का चाहे तो पैदल लेके जाए, चाहे चाहे साइकिल पे लेके जाए, चाहे मोटरसाइकिल पे लेके जाए, चाहे कार पे लेके जाए, चाहे ऑटो से लेके जाए, चाहे टैक्सी से लेके जाए, अब उसकी बीवी हो गई है, अब उसी के साथ जाएगी। हाँ हाँ मेरे भाई, देखिए शादी हो गई, अब जो भाई जो उसकी बीवी है उसके माफियत है, अब वो अपनी बीवी को भाई वो आराम से लेके जाए, उसका पूरा हक है, अल्लाह ताला ने उसको हक दिया है, ठीक है। और बाकी अगर कोई उसको मतलब स्टाइल मानना है तो भाई हो सकता है दोस्त यार की कोई भैया 4 पहिया गाड़ी दिया है और बेहतरीन मतलब अपनी ससुराल में धाक वक जमाने के लिए वो बढ़िया सी कार लेके आए, उसको सजवाए और फूल माला चढ़वाए, उसके बाद उसमें दुल्हन को विदा करे, उसमें कोई मसला नहीं है। भाई इसको लोग मतलब भाई वो ना समझे, सुन्नत है ये कि हाँ दुल्हन को नई कार में ले जाना सुन्नत है, नई सवारी पे ले जाना सुन्नत है, तो ये कोई ना समझे। अगर उसकी भाई इतनी हैसियत है, वो पैसे वाला है और अपनी बीवी को अगर वो चाहे तो भाई वो प्लेन से लेके जाए, हेलीकॉप्टर से लेके जाए, तो शरीयत इसमें रोकती नहीं है। आपकी जो हैसियत है
आप अपना उसके हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, इसमें वो भी आ गई जिस तरह की वो बारात आपने तय की वो तो लेके जाएगा, मगर वो जब लेके जाएगा तो निकाह करके लेके जाएगा ना वो तो बारात। पहली चीज तो इस्लाम में है ना, ये तो एक सिस्टम बन गया है कि हम बारात लेके जाएंगे, ठीक है, और माँ बकायदा गाना बज रहा है, आए हैं बाराती बारात लेके, और पता नहीं क्या क्या गाना बजते हैं, ठीक है, और दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, और माँ गाने बाजी बज रही है, लोग आराम से बारात में जा रहे हैं, लड़की वालों का जो माल है उसको खा रहे हैं, छुर रहे हैं, ठीक है, ये सब गलत है। बारात आज का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, हमने तो अपनी लाइफ में ऐसी शादी देखी है कि लड़का और भाई वो जो भाई उसके वालिद हैं दोनों कार से गए मस्जिद में, निकाह हुआ, लड़की को बैठाया, अपने वहाँ उसको लेके आ गए और अगले दिन शानदार वलीमा किया। आप समझ रहे हैं, वलीमा आप कीजिए, वलीमा करना सुन्नत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं चाहे तुम्हारे पास एक ही बकरी क्यों ना हो, एक ही जानवर क्यों ना हो, वलीमा करो, लोगों को दावत दो, ठीक है, तुम्हारा भाई वो लाइफ एक लाइफ पार्टनर आया है, शरीके हयात आई है, तो वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन बारात ले जाना सुन्नत नहीं है ये, बल्कि एक तरीके का देखा जाए ये एक भाई वो इसराफ है, ये मतलब है कि ये फिजूल खर्ची में आएगा, ये एक मतलब भाई ये जो हमारी जो बहन है जिनकी शादियां नहीं हो रही है और उनके पास इतना इंतजाम नहीं है कि वो बारातियों का इंतजाम कर सके, अब भाई 150 आदमियों का खाना बनवाना, अब बिरयानी शिलमाल कबाब जर्दा खीर ये सब बेचारे के पास भाई वो इंतजाम नहीं है, तो इस चक्कर में लड़कियों की शादी लेट हो रही है। जिन लड़कियों की शादी 18 से 22 साल की उम्र में होना था आज बेचारी वो 35-35 साल की उम्र में उनकी शादियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि भैया बारातियों का इंतजाम नहीं था भाई, वो दहेज देने का पैसा नहीं था, तो ये सब मुश्किलात आ रही है ना, तो इसीलिए बेचारे जेल में। अभी तो अपने जो भी मुश्किल तो ठीक है, कोई शक नहीं है, तो मुश्किल मुकम्मल तौर पर एक जो एक तरीके से पूरा का पूरा की तरफ भाई, इसमें जो कई आलिम दीन है वो भी सामने आए हैं बकायदा, मतलब भाई वो जो मस्जिद है मस्जिद के बाहर बोर्ड भी लगा दिया है कि जिस शादी में डीजे और गाना और ऑर्केस्ट्रा बजेगा वहाँ पे हमारे इमाम साहब और काजी साहब भाई वो निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे, तो अब थोड़ी थोड़ी मतलब कोशिश हो रही है, मतलब तहरीक हो रही है, लेकिन अब असल में बात क्या है, लड़के की जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, भाभियाँ हैं, वो अरमान निकालना चाहती हैं कि हमारे देवर की बारात है, हमारे बेटे की बारात है, हमारे मामू की बारात है, तो वो अरमान निकालना चाहते हैं, अब वो अरमान अपने पूरे करने के चक्कर में वो लड़की वालों पे वोट डाल देते हैं। अरे अरमान निकालना है तो लड़की को एकदम सुन्नत तरीके से भाई वो आराम से निकल करके लेके आओ, वलीमा करो, वलीमे में अपने सारे अरमान भाई तुम अपनी हैसियत के हिसाब से निकालो, कौन रोक रहा है तुम्हें, लेकिन ये तो बात हो गई अपने वलीमे में आदमी पूछ रहे हो भाई 50 आदमी और बारात में लेके जा रहे हो 300 आदमी, अपना खर्चा बचा रहे हो, लड़की वालों को वोट डाल रहे हो, यहाँ तक कि कई कई शादियां तो ऐसी हुई है कि वलीमे का भी पैसा भैया मतलब भाई जो उसकी बीवी उसका भाई दे उसके बाप दे, तो ये गलत चीज है ना, ये तो भाई जो लड़के के माँ बाप है उनको सोचना चाहिए कि हमारा बेटा है हम काहे के लिए अरमान भाई वो निकालें, भाई हम एकदम सिंपल शादी करें, सुन्नत तरीके से शादी करें ताकि इसके कारोबार में बरकत हो, नेक औलादे पैदा हो, दीनदारी का माहौल हो और लड़की वालों पे भी मतलब भाई वो बोझ ना हो, लेकिन आजकल तो मेरे भाई ये लड़के वाले जब लड़की वालों के यहाँ जाते हैं लड़की देखने तो कहते हैं हमें दीनदार लड़की चाहिए, वो नाम रहता है दीनदारी का लेकिन घर में उसके देखते हैं कौन सा नाश्ता लगा, कौन सी प्लेटें थी, अरे वो चाय का कप तो टूटा हुआ था, आप समझ रहे हैं, लड़की नहीं देखते हैं, लड़की की सीरत उसकी दीनदारी उसका अखलाक ये कोई नहीं देखता है, देखते क्या है लड़की के घर वाले कैसे हैं, माहौल कैसा है, नाश्ते में क्या आया था, चाय कैसी बनी थी, चाय का जो कप था वो मतलब कौन सी कंपनी का था, कहीं सस्ता वाला तो नहीं था, इनका स्टैंडर्ड क्या है, और नाम भाई वो लेते हैं दीनदारी का, तो ये बहुत गलत चीज है, और लड़की में ऐसे नुक्स अल्लाह तौबा माफ करे निकालते हैं कि ऐसे मतलब हद हो गई है कि लड़की जरा सी लंबी होती ना तो इंशाल्लाह शादी कर लेते,
लड़की जर्रा से और थोड़ी सी हल्की सी गोरी होती ना तो हम शादी कर लेते, लड़की जर्रा से दुबली होती ना तो हम शादी कर लेते, बड़ी मोटी लड़की है, अरे बड़ी नाटी लड़की है। तो जब दूसरों की लड़कियां देखने जाते हैं तो ऐसे नुक्स भाई उसमें निकालते हैं, जैसे अल्लाह तौबा माफ करे कि मतलब वो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक ना हो, कोई भेड़ बकरी जानवर हो जो ये कुर्बानी के लिए लेने आए हैं कि हाँ दाता है कि नहीं और ये है कि नहीं, कान वान बराबर है कि नहीं, आंख में कोई नुक्स तो नहीं है, तो इस तरीके की हरकत करते हैं। लेकिन जब उन्हीं की बेटियों के रिश्ते आते हैं तो फिर कहती है अरे हमारी बेटी हल्की सी काली है तो क्या हुआ बड़ी दीनदार है, अरे हल्की सी उसकी हाइट कम है तो क्या हुआ बड़ी नेक सीरत है, अरे थोड़ी सी मोटी है तो क्या हुआ काम बहुत अच्छा करती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो जब अपनी बेटी के रिश्ते आते हैं तो अपनी बेटी अगर नाटी हो, मोटी हो, काली हो और हद से ज्यादा लंबी हो और हद से ज्यादा दुबली हो तो बड़ी तारीफ उसकी करते हैं कि बस किसी तरह हमारी बच्ची का निकाह हो जाए। लेकिन जब वही माँ अपने बेटे का निकाह करने जाती है तो वो भूल जाती है कि वो भी किसी की बेटी है। ऐसी औरतों को तो, ऐसी सास को तो भाई ऐसा करना चाहिए कि जैसे उनके वहाँ बेटा पैदा हो अल्लाह ताला को एक भाई वो लेटर उतार देना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी जो बहू हो उसको ऐसा पैदा करना, उसको इतना गोरा बनाना, उसको इतना लंबा बनाना, उसको इतना दुबला बनाना, उसको इतना नाटा बनाना, तो वो पहले उनको भेज देना चाहिए अल्लाह को लेटर। क्यों मेरे भाई दूसरों की बेटी में भाई को निकालते हैं, जैसा अल्लाह ने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही बनाया है, अल्लाह ताला मुझे भाई वो खराब नहीं बनाता है, बस ये हमारी सोच ऐसी है। अच्छा अबू भाई एक चीज होती है जो पुराने किसी में ट्रायल पढ़ा था जिसमें फरमान था, अल्लाह फरमाता है कि अपना अगर तुम अपने नौजवान नौजवानों की अपने शबाबों की नौजवानों की शादी करो तो अल्लाह तुम्हारा तुम्हारे को गरीब कर देगा, कहाँ फिर सोच पाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवान मेरी कोशिश ये करते हैं कि पहले वो तालीम कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद फिर अपना जॉब की कोशिश करते हैं, कुछ ट्रेनिंग करने के बाद बोलते हैं कि कोई मुकाम मिल जाए, कुछ पेशे वेशा। भाई इसमें जो जो लड़के लड़कियां हैं उनकी तो गलती कम है, ठीक है, उनके वालिदैन की बहुत बड़ी गलती है। वो कहते हैं जब तक हमारा लड़का कमाएगा नहीं हम निकाह नहीं करेंगे, जब तक हमारी बच्ची इंटर नहीं पास कर लेगी, बीए नहीं पास कर लेगी, एमए नहीं कर लेगी, ये नहीं कर लेगी, वो नहीं कर लेगी, तब तक निकाह नहीं कराएंगे। तो इस चक्कर में जो उम्मत के जो भाई बहन है उनके निकाह बहुत भाई काफी मतलब भाई वो देर में हो रहे हैं। अब अगर कोई आदमी है, अब कोई इंसान लड़का है, अब वो भाई कम से कम 25 साल तक तो उसने पढ़ाई की, अब उसने 2-2.5 साल तो अपनी नौकरी ढूंढी, नौकरी ढूंढने के बाद जब उसने कमा कमा के अपने अम्मा अब्बा का पेट भर दिया तब जाके 30 साल में उसके लिए लड़की देखना चालू किया, लड़की देखते देखते भाई 2-3 साल बीत गए क्योंकि इतनी सारी उसमें वो है कि पहले मंगनी होगी फिर तारीख होगा उसके बाद बारात जाएगी बारात के बाद रस्मा होगा, तो 35 साल उसके बीत गए। 35 साल बाद जब शादी होती है तो फिर अलग अलग दिक्कतें आती हैं कि भाई औलाद नहीं हो रही है, ठीक। अब एक उम्र होती है जो एक एग्जैक्ट टाइम होता है, जवानी में अगर कोई शादी कर ले तो फिर उसके लिए अच्छा रहता है, नहीं लेकिन नहीं अम्मा अब्बा कहेंगे नहीं, जब कमा लोगे जब अपनी बीबी का पेट पाल लोगे तब लेके आएंगे, जब अपनी बीबी का लिपस्टिक ऑर्डर का खर्चा उठा लोगे तब भैया तुम्हारी शादी कराएंगे, ऐसा नहीं है। अब बेचारा जो इंसान है अब वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसका मन कर रहा है शादी करने का, अब ना वो शादी के चक्कर में पढ़ पा रहा है ना लिख पा रहा है, उसकी जिंदगी खराब। लेकिन ऐसे वालिदैन को अगर वो अपने बच्चे की शादी कर दे तो शादी के बाद जो आदमी होता है वो उसका फोकस रहता है पढ़ाई के ऊपर, क्यों, क्योंकि अब उसकी शादी तो हो ही गई है, अब उसके जो मतलब भाई जो उसकी मतलब अंदर की जो फीलिंग है ख्वाहिशात है वो पूरी हो रही है, अब उसके पास एक ही काम बचा है यार अब तो शादी हो गई है अब जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट करें, जॉब करें, कमाए दमाए कारोबार करें, तो ये हो जाता है। तो वालिदैन से भी भाई ये अपील करनी चाहिए कि आप अल्लाह के लिए अपने बच्चों के निकाह में ताकीर भाई ना कीजिए, अगर उनको जरूरत भाई वो अगर उनको महसूस हो रही है तो उनका निकाह करवा दें। लड़कियों का जो भाई जो शादी है निकाह है उसको ज्यादा भाई वो मतलब एकदम ताकीर ना करें क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है फौरन अफेयर हो रहे हैं, अफेयर होने के बाद लड़कियां घर से भाग रही हैं, फिर वालिदैन के मुंह पे काली खुद जाती है और जो लड़का होता है वो सोचता है यार मेरे अम्मा अब्बा ये लोग तो शादी अभी करवाएंगे नहीं जब तक कमाएंगे नहीं, लाओ तब तक बाहर हम टाइम पास करें, तो बाहर वो अपना भैया अपनी जो भी उसकी मतलब भाई ख्वाहिशात है जिनसी अपनी वो पूरी कर रहा है।
तो इसका भी गुना वालिदैन पे भी आएगा, औलादों पे तो आएगा आएगा, उनके वालिदैन पे भी आएगा, क्योंकि उनका निकाह कर देना चाहिए था भाई। लड़की के वैसे उम्र नहीं होनी चाहिए विचार करने की, समझ तुम आखिर यहाँ से लड़की की शादी कर दी जाए, लड़की के लिए कहाँ से हो? देखिए अब ये कोई इसका कोई एज का उसूल तो इस्लाम में नहीं है कि लड़का 18 का हो लड़की 16 की हो या लड़की 18 की हो और लड़का 21 का हो, ऐसा कोई एज का नहीं है। ये है बालिग हो जाए, यानी कि औरतों के जब भाई जो पीरियड होता है महीना होता है वो आना स्टार्ट हो जाए, और जो मतलब क्या बोलते हैं जो बॉयज होते हैं लड़के होते हैं उनकी शर्मगाह पे बाल आ जाए, ठीक है, तो मतलब भाई उनकी उम्र हो जाती है निकाह की, ठीक है, अब वो अपना निकाह कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब कोई हर्ज नहीं है। हाँ बस बालिग होना चाहिए, 18 साल भाई आम तौर पे मेरे हिसाब से जो शादी करने की बेस्ट उम्र है, ठीक है, वो उम्र जिस उम्र में मैंने शादी की थी वो सबसे बेस्ट उम्र है, ठीक है। मैं उस समय था भाई मैं 21 साल का था और मेरी वाइफ भाई वो मुझसे एक साल भाई वो छोटी थी 20 साल की, ठीक है, तो सबसे अच्छी उम्र होती है ये। अपना टाइम पे शादी कर लो, टाइम पे आराम से एंजॉय करो, फिर दिमाग भी तुम्हारा दीन की तरफ भी लगेगा दुनिया की तरफ भी लगेगा, और शादी नहीं होगी तो फिर दीन तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर आदमी का दिमाग बाद वो शादियों में जाता है अपने दोस्त यारों की खानदान वालों की, और वहाँ पे लड़कियां ताड़ता रहता है, अम्मी ये बहुत पसंद है, अब्बा ये बहुत पसंद है, अम्मी इनसे हमारे लिए बात करो, अब्बा इनसे हमारे लिए बात करो, बात वो पूरी महफिल में औरतों में ही जाता है, औरतों में ही खाना खिलाता है, औरतों में ही पानी सालन और मतलब ये कोरमा बिरयानी सप्लाई करता है कि किसी तरह लड़की से मेरा कुछ हो जाए जुगाड़। वैसे एक जो और चीज ये ना वो भाई अपना लड़का और लड़की थोड़ा सा मैच्योर हो, थोड़ा अपना जहन उनका पुख्ता हो ताकि वो एक दूसरे के हकूक अदा कर सके, ये बहुत जरूरी है कि नहीं एक दूसरे का हकूक? अरे सब मैच्योर हो जाते हैं यार शादी के साल डेढ़ साल बाद, सब मैच्योर हो जाते हैं, एक दूसरे को समझ जाते हैं, एक दूसरे में भाई वो ढल जाते हैं। अब ये बहुत कम ही ऐसा केस होता है कि लड़का लड़की शादी के बाद भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, वो अलग ही मैटर है, वो बीच में शैतान आ जाता है, लेकिन अक्सरियत ये होता है कि कम उम्र में शादी हो जाती है, दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे की अच्छी बुरी पसंद और नापसंद सब कुछ जान लेते हैं, और हुकूक क्या है मेरे भाई, जब आदमी दीन से लग जाता है जहन खुल जाता है तो हुकूक भी अदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी लड़ाई झगड़ा कहा सुनी रूठना मनाना ये तो भाई कितना भी बड़ा दीनदार क्यों ना हो सब में होता ही होता रहता है। जज़ाकअल्लाह आपको भाई अल्लाह का शुक्र करके आपको अपने जिम्मे में रखे, आपको खैर अता करे, आपके माशाल्लाह बच्चों को भाई हमारे लिए भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, नेक बीवी अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। भाई मेरे लिए एक नेक दीनदार बीवी के लिए हमारे लिए दुआ कर दीजिए इंशाल्लाह। यार सोच रहे दूसरी शादी करें यार, अब एक तब जी भर गया है, अभी कौन सी उम्र हो गई है, 26 साल के हुए अभी जवान है अल्हम्दुलिल्लाह, एक अभी कर लें, फिर जब एक हो जाएंगे 30 साल के तब देखा जाएगा। अब आए शरीयत फायदा दे रही है तो फायदा क्यों ना उठाए भाई, कोई हराम काम थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं तो दूसरी शादी करना जो है ना वो हमारे समाज में बहुत बड़ा मतलब पाप माना जाता है, गुनाह। अगर मानी भाई किसी आदमी ने दूसरी शादी कर ली तो फिर सबके इल्जाम स्टार्ट, अरे भैया ये आंखों का बड़ा गंदा था, एक बीबी से एक औरत से भला इसका नहीं हो रहा था, बाहर चला गया मुंह मारने लग गया, ठीक, मतलब अगर किसी ने दूसरी शादी ना कर ली हो लग रहा है कोई गुनाह कर दिया हो, गुनाह कबीरा कर दिया हो, मतलब हद हो गई। हमारे साहबा एक टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बीवियां रखते थे, दो तीन तो उनके पास रहती रहती थी, ठीक, ये एक मामूल था, और यहाँ तो ये हो गया है
एक से शादी की है, अब डोली डोला अर्थी चाला सब उसी का तुम्हारा उठेगा, दूसरी की तरफ निगाह नहीं डाल सकते हो भाई। कोई पहले दिन लड़की दीनदार होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे को बिना दहेज की शादी करना है, बिल्कुल सिंपल निकाह करना है, एक चवन्नी नहीं चाहिए, उल्टा मेहर का पैसा हमसे ले। बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, एकदम स्मार्ट खूबसूरत और दीनदार, और सबसे अच्छी चीज है एक्टिव होना चाहिए, ताकि उससे दीन का काम ले सके। अरे भैया कोई अपनी बेटी मेरे को नहीं देगा यार, क्यों नहीं देगा, क्या बातें करती हैं। अरे मैं शादी शुदा हूँ ना, अब कौन बाप ऐसा आजकल के दुनिया में शरीफ पैदा हो गया है जो एक शादी शुदा आदमी को अपनी बेटी दे दे, वो तो और समझेगा। अरे एक तो अहले हदीस, ऊपर से भैया कुरान हदीस की बात करने वाला, ऊपर से दूसरी शादी, तब तो समझ लो कि मतलब बर्बादी है जिंदगी। अच्छा ये भी एक बात अच्छी है, अपना जितनी इंसान शादी जो है बर्फ करता है, फल गली भी कुछ जाते हैं इंसान करते रहता है, वो उसकी माल और उसके रिस्क अल्लाह तला खुद को बढ़ावा करना चाहिए रहता है, ऐसी शादी की जैसी बात है। देखिए शादी आप जितनी करेंगे, देखिए निकाह में अल्लाह ताला की बरकत है, ठीक है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारी ताकत हो। अब ताकत का मामला दो तरीके से, एक तो फाइनेंशियली, एक तो मतलब भाई वो फिजिकली जिंसी। अगर एक मतलब ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं, या इनमें से कोई एक चीज भी मौजूद है, तो आप निकाह भाई आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप खुद एकदम मतलब भाई वो एकदम भूखे मर रहे हो, और ये आशंका है कि आप किसी की बेटी को लाओगे उसको भी भूखा मरना पड़ेगा, तो थोड़ा कंट्रोल करो, अपने हालात ठीक करो, उसके बाद शादी करो। और अगर आपके मतलब कोई आपके अंदर कोई मतलब भाई वो जिंसी कमी है, ठीक है, मतलब जिससे आप अपनी मतलब बीवी को मतलब भाई वो मतलब सेटिस्फाइड भाई आप ना कर पाए, तो फिर आपको चाहिए कि आप भाई वो निकाह ना करें, क्योंकि हो सकता है कि फिर वो औरत आपके निकाह में रहते हुए कोई उल्टा सीधा स्टेप उठा ले, या कोई मतलब भाई गलत भाई उसकी अफेयरबाजी हो जाए। हाँ लेकिन मेरे अंदर दोनों चीजें अल्हम्दुलिल्लाह है, आप मेरे ऊपर शक ना कीजिएगा, मेरे अंदर जिंसी पावर और फाइनेंशियल पावर दोनों है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको 10 घोड़ों की ताकत ताकत फरमाए, और एक्स्ट्रा भी करके दुआ में ही करता हूँ। जी जी भाई ऐसी कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला सबका घर बसा दे, जितने हमारी मोमिन उम्मत की बहनें बिचारी बैठी हैं कुवारी जिनका जिनका निकाह नहीं हो रहा, अल्लाह ताला उनका निकाह करवा दे, और जो लड़के हमारे शौकीन हैं निकाह करने के लिए लेकिन अपने वालिदैन के बोझ में दबे हुए बेचारे कह नहीं पाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके वालिदैन को भी हिदायत दे, वो अपने लड़के लड़कियों का निकाह जल्दी करवाएं, और पैसों की बुनियाद से ना करवाएं, वो दीन की बुनियाद पर करवाएं। पैसा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुकद्दर में जितना लिखा है उसको मिलके रहेगा, लेकिन दीनदारी अहम है। दीनदारी देखें, दीनदारी नहीं है तो लाख वो करोड़पति क्यों ना हो, वो बेकार है, क्योंकि पैसे आखिरत में अल्लाह ताला पैसे लेके हमको जन्नत में भाई वो नहीं डालेगा, अल्लाह ताला हमारे अमाल और हमारी नेकी देखेगा। चलिए बड़ी बहुत मेहरबानी है अपना आपको भैया, माशाल्लाह आपको खरीद रखे, आपको खुश रखे, आपके रिजमान में रखे, और माशाल्लाह आपकी वाइफ चार्ट वगैरह मिलती रहती है आपकी, अल्लाह ताला आपको और आपको अल्लाह ताला आपको तालीम में भाई, मेरी मेरी बीवी के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उसको अपने दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हालांकि वो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस और बहुत नेक बीवी है, बस थोड़ा उसके मतलब गुस्सा बहुत आता है, वो मतलब जिद्दी बहुत है, अब हो क्यों ना, मैंने उसको अपने इतने सर पे इतना चढ़ा रखा है तो जिद्दी तो होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब भाई इतनी दुआ कर दीजिए कि थोड़ा जिद्दी पना और नाराजगी उसकी थोड़ी मतलब भाई कम हो जाए। जी जी सही बात है, ठीक है रखे भाई, ओके शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको, ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम, ओके अल्लाह हाफिज़।